जिस तरह से बताया जाता है कि चीफ जो होते हैं स्लीपर सेल के, बहुत ही मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना, और स्लीपर सेल जो होते हैं उन्हें पकड़ना, क्योंकि वो एक ऑपरेशन के लिए एक्टिव होते हैं उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह से बेटा साहिब का। तो ऐसे में फिल्म में दिखाया गया है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उसके बाद स्लीपर सेल को पकड़ा जाता है, तो कितनी रियालिटी दिखाई गई, कितनी सच्चाई है फिल्म? मुर्गडॉस जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है, और जब हम ये फिल्म बनाने शुरू हमने शुरू की थी, तो हमने डिफेंस और भारतीय सरकार के डिफेंस और एंटी टेररिज्म में जो एडवाइज़र हैं श्री मारूफ रज़ा, उनसे भी हमने मुलाकात की थी, उनको हमने स्क्रिप्ट दिखाया था, और उन्होंने भी ये कहा था कि जो रिसर्च मुर्गडॉस जी ने किया है वो बहुत ही सच्चा है, सच्चाई के बहुत करीब है, और इसी तरीके से ये पूरा ऑपरेशन होता है। जहाँ तक फिल्म का सवाल है, फिल्म एक नया मुद्दा, एक नए डायमेंशन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करती है, और यहाँ से आगे मुझे लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जैसे बिट्टा जी ने भी कहा कि हम सब अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।